एवरीवन, आज मैं आपसे एक ऐसी स्किन वाइटनिंग रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और उसका रिज़ल्ट इतना अमेजिंग है कि आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। अगर इसे आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो इतने ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर आपके स्किन पे पिगमेंटेशन स्पॉट्स हैं, स्कार स्पॉट्स हैं, या एजिंग वाला प्रॉब्लम है, कोई भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, मतलब एनी प्रॉब्लम आपके स्किन में है, ये ख़त्म करेगा 100%। तो हाँ जी, मैंने यहाँ दही ले लिया है एंड चावल जो होता है कच्चा चावल, उसे मैंने 2 बड़े चम्मच रात में पानी के साथ भिगो दिया था। और फिर नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, दही चावल को मैंने पीस लिया और दही इस तरह से मैं लूँगी 1 चम्मच और 2 चम्मच में चावल, कच्चा चावल जो पीसा हुआ है वो मैं लूँगी। इस तरह से दोनों को मिक्स करके मैं अपने फेस पे मसाज करूँगी बहुत हल्के हाथों से, जो स्क्रबिंग होती है क्लॉकवाइज इंटरक्लॉकवाइज। वीडियो को मैंने फास्ट किया है, आप बहुत हल्के हाथों से कीजिएगा, फेस को बिल्कुल रगड़िएगा नहीं, और देखेंगे कि आपके स्किन के अंदर जितनी गंदगी है, जितने भी ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, आपकी स्किन पे कोई भी परेशानी है, देखेंगे आपकी कितनी जल्दी वो स्किन प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होती है। इंस्टेंट आपको इतना ज़्यादा ये गोरा निखार देगा कि आप इसके दीवाने से हो जाएंगे और हमेशा आप इसे यूज़ करोगे। आप इसे हफ्ते में एक बार यूज़ करो, बहुत बार बार मत करो, बट एक बार तो एटलीस्ट आप ज़रूर यूज़ करो। अगर आपका फेस जब ड्राई होने लगे मसाज करते टाइम, स्क्रबिंग करते वक्त, तो आप दही फिर से ले सकते हो ताकि स्मूथ हो जाए और आपका हाथ अच्छे से चल सके स्क्रबिंग में। तो इस तरह मैं मसाज करूँगी, 5 से 7 मिनट तक मैं अपने फेस पर स्क्रबिंग करूँगी। नेक पे भी अच्छे से कीजिएगा, नेक को पड़ोसी को समझ के नहीं छोड़िएगा, नेक को भी अच्छे से करिएगा। एंड उसके बाद आपको इसे चाहे पानी से वॉश कर देना, और अगर आप चाहें तो फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप पानी से भी यूज़ करोगे तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। आप देख सकते हो इंस्टेंट कितना ज़्यादा ग्लो है, और आप बिलीव मी, मैंने कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ किया है, मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, और मैं जो भी चीज़ें कर रही हूँ डेमो लाइव कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा अमेजिंग रिज़ल्ट है। अगर आप इसे एक बार यूज़ करते हो तो आपको ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली, क्योंकि दही जो होता है स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और चावल तो आप जानते हो कि हर वाइटनिंग क्रीम में यूज़ होता है, कोरियन की ये बहुत ही बड़ी पसंद होती है चावल, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लाते हैं क्रीम में, चाहे वो टोनर हुआ या हेयर्स के लिए। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए, स्किन केयर के लिए। आप इसे इस्तेमाल करो, एंड अगर आपको वीडियो जब अच्छा लगे तो आप मुझे शेयर ज़रूर करो, या इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो। और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा, कितना अमेजिंग रिज़ल्ट आया है एक बार के ही यूज़ में। एंड जब आपका ये कंप्लीट हो जाए स्क्रबिंग, आप फेस वॉश कर लो, तो फेस पे कुछ भी कोई क्रीम नहीं लगाओ, सिर्फ आपके पास जो भी रोज़ वाटर हो उसे आप स्प्रे कर लो, इससे और ज़्यादा निखार आएगा स्किन पे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग जाएगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।